शाम में देखा, शाम में गए उसको मुँह छोड़ा के ऊपर उसको संभाल संभाल करके छोड़ी, जैसे संभाल करी वो पूरे में दौड़ने लगा पैदल पैदल छोड़ गाँव के दो पाँच मिनट दौड़ता रहा सबसे यहाँ के बिरादरा ने कबूतरों का कबूतरबाजों का भोपाल पीजेंस चैनल पे इस्तकबाल है। आज बड़ी खुशनसीबी है कबूतरबाजी की कि हम लोग दोबारा से जनाब उस्ताद ग़ुलाम फरीद साहब के शागिर्द जनाब कमर मियां साहब के वहाँ इनकी छत पर आए हैं, क्योंकि पहली वीडियो देख के तमाम व्यूवर्स ने बड़ी रिक्वेस्ट भेजी और फ़ोन आए कि साहब एक बार कमर भाई के और जो कबूतर दिखाइए। लिहाजा हम लोग फिर इकट्ठा हुए और ये दूसरा पार्ट बनाने का भोपाल पिजन्स ने फैसला किया। लिहाजा अब आप लोगों को हम कमर साहब के कबूतर खाने का दूसरा पार्ट्स कबूतरों का दिखाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक कबूतर अभी आपको की पेशे नज़र है जो कि अपने आप में एक कबूतर खाना रखता है, उसके पूरे कबूतर के अंदर एक कबूतर खाना ज़िंदा है, उस कबूतर की औलाद भी है, उसकी नस्लें हैं इनके पास। उस कबूतर की उम्र इस वक्त 12 साल क्रॉस कर गया है, लेकिन इस वक्त उसके अंदर जो कबूतरबाजी की खासियतें हैं, जो निशानियां हैं, अभी मैंने उसको पकड़ के देखा तो उसका जिस्म बदन इस वक्त इस मौजूदा हालात में इस वक्त ऐसा है कि जैसे गर्मी में एक दो तीन बजे तक कोई पट्टा उड़ के आता है, वो आला जिस्म वो रखता है, वो आला बदन रखता है, वो उसके बदन के अंदर सलाहियतें हैं, उसके परों में वो खूबियां हैं, उसकी दुम पर नाखून पंजे जोड़ तमाम चीज़ें मिलके वो काफ़ी उम्दा कबूतर है। और इतनी बातें उस कबूतर के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि जिन हजरात के पास इतने मुकम्मल कबूतर हों तो वो कबूतरों पे मेहनत करें। देखो ये परिंदे के इतने दुश्मन हैं, इतने दुश्मन हैं, वैसे देखो नेवला भी दुश्मन है और सांप भी दुश्मन है, घूस भी दुश्मन है, चूहा भी दुश्मन है, छछूंदर भी दुश्मन है, बिल्ली भी दुश्मन है, लोमड़ी सियार भी है, मतलब आसमान पे भी दुश्मन, ज़मीन में भी दुश्मन, और सबसे बड़ा दुश्मन इंसान। एक तरफ मोहब्बत करता है तो दूसरी तरफ जलता है उससे। अगर किसी के कबूतर हद परवास पे जा रहे हैं, चारों पहर कर रहे हैं, वो बाजियों में बाजियाँ जीत रहा है, टूर्नामेंट जीत रहा है, प्राइज ले रहा है, तो उससे खलीश पे खलीश है, तो ऐसे हालात होते हैं। और जहाँ तक इश्क कबूतर की जो बात है तो मुकम्मल कबूतरबाज वो होता है जो कबूतर से मोहब्बत करे, कबूतर से उनसियत रखे। कबूतर को नुकसान पहुँचाना शौक़ को नुकसान पहुँचाना। और मेरा तमाम दुनिया भर के उन लोगों से गुजारिश है जो हसद जलन रखते हैं, कहीं गए तो कबूतरी की तेह में छेड़छाड़ कर दी, कहीं गए तो कबूतर के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो ऐसा हरगिज़ ना करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ये एक कबूतर को बिगाड़ना, एक मादा को बिगाड़ना, एक जोड़ को बिगाड़ना, एक नस्ल को बिगाड़ना है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है इसमें जितने अच्छे काम हो सकें उतने काम करें, और मेरी परवरदिगार से एक दुआ है कि जो जितना कबूतरबाजी में काम करे उसे उतनी इज़्ज़त मिले, जो जितनी जानता हो उतनी इज़्ज़त मिले, और
बेवजह की कबूतरबाजी किसी हाल में बेहतर नहीं है। मेरे आप लोगों से गुजारिश है, ये बड़ा पाक साफ शौक़ है, ये परिंदा भी बड़ा इज्जत मुकामी है, बड़ी जाज़बियत रखता है, बहुत भलाइयों से रखता है। ऐसा बताइए कौन सा परिंदा है कि जिसको उड़ा दिया जाए और वह आसमान की बुलंदियों पर पहुँच के वापस आ जाए, जबकि इंसान में ये फितरत नहीं है कि बुलंदी में पहुँच के नीचे का ख्याल लग के। एक एक जी, एक जी, जी, वक्त जी, का वाकया बताता हूँ आपको। जी बताइए। कबूतर के शौक की एक बात है जी, मेरे बचपन की जी, कि मैं हमारे घर में बावर्ची खाना था, उसके ऊपर खुड्डा बना हुआ जी, था जी 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 जी, मैं वहाँ पर दोपहर में जब दाना डालता था जी, वो बैठ जाया करता था। मेरे बड़े भाई का मकान था वो जी, तो वो अपनी मिसिस को बुला कर के कहते हैं कि यहाँ आइए जी, वो देखिए वो क्या कर रहा है जी। तो उनका कि वो तो बैठा हुआ है कबूतरों को देख रहा है। कहना वो रोज इसी तरह से देखता है, घंटों बैठा रहता है। मैंने जब तुम दिहा के तुमको लाया था तब भी इस तरह नहीं देखा था, अल्लाह वो देखता है। ये सुभान, जरा उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगाइए दोस्तों, दिल नहीं भरता। इस बात से मैं फरीद साहब से मुसाफा करना चाहूँगा, वाह 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 वाह। यह है शौक, इसे कहते हैं शौक। मुझे बचपन से शौक है इन परिंदों जी जी। कमर में दिखाइए वो कबूतर जी। अब आपके सामने कुछ कबूतर पेश नजर किए जा रहे हैं। ये शौक ऐसा है कि इससे दिल ही नहीं भरता, दिल ही नहीं भरता। और जितनी बार आप कबूतर को देखेंगे उतनी बार उसमें कोई नई चीज नजर आएगी। वाह 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 वाह, क्या क्या परवरदिगार ने परिंदे को बनाया है, सुभान अल्लाह। क्या जाज़बियत है इसमें, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या वाह वाह, क्या बात। देखिए ये उसी जमाने के कबूतरों की नस्ल का एक कबूतर है। ये आज भी यहाँ मौजूद है और उसकी नस्ल भी कमर मियाँ ने बढ़ा ली। जरा मुलाजा फरमाइए कबूतर। ये वही कबूतर है जो उम्र से 12 साल का है, अभी तक 12 केट काट चुका है। आप देखिए, आँख का शौक कीजिए आप जरा। क्या बात, और क्लोज करिए। क्लियर है, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर है। देखिए आप से मुलाजा फरमाइए। ये परवाजी पर हैं, ये आप बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप पहले पर से लेकर के और दसवें पर तक मुलाजा फरमाए इसको। ये दूसरा पर देखिए, आकाशों के वाह कर दीजिए, ये वाली मेरी तरफ क्या मेरी तरफ कर दीजिए बस। ये पंजे देखिए, क्या बात है, क्या बात है। लीजिए कमर साहब, वो अच्छा, ये इसकी मादा है। क्या बात, ये इसकी मादा है। जी ये पर देखिए, ये दूसरे पर देखिए, ये उसी कबूतर का एक पट्टा और मिला था।
क्या बात, ये देखिए तीन पर हैं, देखिए परों की चौड़ाई, देखिए परों की, ये तीन पर जो है एक पर मालूम होता है। देखिए ये तीन पर है, ये देखिए कि ये मेरी बहुत पसंदीदा मादा है, इसकी आँख का शौक कीजिए जरा। क्लियर आज तक लीजिएगा नहीं आ रही, क्लियर उम्मीद रखी। आ रही आवाज, ये मुलाजफर पर आ रहा है क्रीज में। ये एक और कबूतर देखिए उसी में का, आग का शौक कीजिए अगर आप। ग्रीन आया जी, क्या क्या बात, काफी बच्चे भराया हुआ। ये मादा है, ये आँख क्या बात, ये पंजे ये दुम देखिए आप कितनी बैलेंस कबूतरी, ये देखिए एक परवाजी कबूतर, ये अभी परवाज में था। पर बोला था फर्म बस चलिए रहने दीजिए। दोस्तों ये कबूतर जो अभी आप तमाम हजरात को दिखा है, ये हमारे शागिर्द हैं कमर मियाँ साहब, ये दिखाते नहीं हैं किसी को,
لیکن آج بطور خاص لیاقت عزیز صاحب اور عمران میاں صاحب اور جناب صدام میاں صاحب، شعیب میاں صاحب، ان کے اصرار پر آج یہ قمر میاں صاحب نے یہ کبوتر دکھائے، ورنہ یہ کبوتر دکھاتے نہیں ہیں، یہ گھر میں ہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب مجھے شو نہیں کرنا. ارے میں کہا بھائی یہ لوگ اتنا کہہ رہے ہیں، آج ان کا شوق کرا دو. تو ان کی وجہ سے آج میں نے یہ تمام شائقین حضرات جو ہائی فلائر کبوتر پسند کرتے ہیں، لمبی پرواز پسند کرتے ہیں، اچھا رنگ پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے. جناب فرید بھائی، استاد علی غلام فرید صاحب کا بھوپال پیجن فلائنگ کی ٹیم چینل کی شکرگزار ہے، اور جناب قمر میاں کی، اور یہ دونوں ان کے پیر بھائیوں کی، اور اتنی عمدہ آج کبوتر بازی ہوئی کہ جس کا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں آج. اور یہ کبوتر لیاقت عزیز صاحب جی، یہ ریزلٹیڈ کبوتر جی جی پورے بھوپال میں جی یہ کبوتر اڑا کے دکھائے گا جی جی. یہ ویسے ہی یہ شوقیہ کبوتر نہیں ہے، وہ فیشن والے کبوتر جی جی، یہ پروازی کبوتر جی. دوستوں ساتھیوں، میں ایسا مانتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے میں بڑے عمدہ عمدہ کبوتر باز ہیں، اور نظر ایک دولت ہوتی ہے. ہمارے استاد فرید صاحب نے اس وقت جو کبوتروں پر روشنی ڈالی، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کبوتر تھے ہیں کہ انہیں آئل میں آپ ڈبو دو اور انہیں بڑے بگڑی ہوئی حالت میں دکھاؤ تو جوری تو سمجھ لیتا ہے کہ ہیرا کہاں ہے. یہ کبوتر جو ہیں آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اچھا لگا، اور ہمارے بھوپال کے کبوتر اب آپ لوگ دیکھیں گے، اور یہ جناب غلام فرید صاحب کے شاگرد جناب قمر میاں کی محنت اور ان لوگوں کی جو ہے ایک رائے، ایک شوق آپ لوگوں نے جو ابھی دیکھا، اسے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پسند کریں گے. اور میں سبھی لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کبوتر بازوں سے کہ نسلوں پہ کام کریں. دیکھیے نسل ہی اصل ہے، سونے کو آپ کتنا ہی کیچڑ میں ڈال دو لیکن جب نکلے گا تو وہ سونا کا سونا ہی رہے گا. میری گزارش ہے میری آپ لوگوں سے کہ نسلوں پہ کام کریں، اور کبوتر بازی کے قانون ایسے بنائے جائیں کہ جو کبوتر بازی کو بڑھاوا دیں، نہ کہ زیادہ گھنٹے کبوتر کو اڑانے کے اس میں ہم کبوتر بازی سے نہ ہٹ جائیں. دیکھیے یہ قابلی کبوتر ہے، گرے باز ہے، اس کی فطرت کو پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا. لہذا ان کبوتروں میں ایسے قانون ہو کہ جب قابلی کبوتر شام کی طرف بڑھتا ہے اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے گھر آنے کی نہیں سوچتا، اب وہ جگہ ڈھونڈتا ہے کہ جہاں اسے رات بسنا ہے، اب وہ جگہ ڈھونڈتا ہے کہ جہاں رات بسنا ہے. اور جو رات بسا ہوا کبوتر ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں، کیونکہ رات بسنے میں جو تکلیفات ہوتی ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. رات بسا ہوا کبوتر جو ہوتا ہے وہ جنگلی کبوتر سے بہت زیادہ سیانا ہوتا ہے، جہاں بیٹھا رہتا ہے ایک کھٹکے میں اڑ جاتا ہے، وہاں سے اتنا چوکنا ہوتا ہے کہ ساری رات وہ اس جدوجہد میں رہتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں لے، کوئی مجھے صبح گھر جانا ہے، یہ اس کے مجاز میں بات ہوتی ہے. لہٰذا قانون ایسے بنائے جائیں کہ کبوتر لائٹ میں اتارے جا رہے ہیں. اب ایک بات بتائیے، جو منصف ہے، اگر ایک کبوتر بوند بنا ہوا ہے اور مغرب ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو گیا تو کون سا ایسا منصف ہے جسے وہ نظر آ رہا ہے؟ کون سا ایسا کھلاڑی ہے جسے وہ نظر آ رہا ہے؟ لہٰذا گھنٹے بڑھانے کے لیے کسی بھی صورت سے کبوتر گھر آ جائے وہ غیر مناسب ہے. ہاں لائٹ پہ اڑنے والے کبوتر، مدراسی اور یہ پنجابی کبوتر جو لائٹ پہ اڑ سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھوپال میں ہمارے سینئر استادین نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ لائٹ میں کبوتر نہیں مانا جائے، نہیں مانا جائے، قدرتی روشنی میں قدرتی روشنی میں آئے، یعنی اندھیرا ہوتے ہوتے تک
और अंधेरे में भी वो कबूतर एक्सेप्ट किया जाएगा जो कायम उड़ रहा हो, जो बराबर हाजिरी दे रहा हो। लिहाजा कबूतर काबली कबूतरों में ज़्यादा टाइम बनाने के लिए मेल तेल भी ना डालिए, कबूतरों को बिल्कुल असालत पर रहने दीजिए, नस्लों पर रहने दीजिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अब इसको प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी बात होगी। आज के हमारे चीफ गेस्ट थे, आज के चीफ गेस्ट जनाब ग़ुलाम फरीद साहब थे और शोएब मियाँ जनाब हाजी सद्दाम साहब। हाजी सद्दाम साहब को भी कबूतरों का बेहद शौक़ है और मैं ये समझता हूँ कि इनकी लाइफ में जो पहला कबूतर इन्हें बाज़ार से दिलाया था तो शायद मैंने ही उसे दिलाया था, क्यों हाजी साहब 40 रुपये का एक कबूतर मैंने ही दिलाया था। इनके वालिद से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं और उन्होंने कहा कि इज़्ज़त कर रहे थे जाइए लियाकत मियाँ, तो वो कबूतर दिलाया था। लिहाजा सद्दाम साहब, शोएब साहब और कमर मियाँ साहब का तहे दिल से मोहम्मद लियाकत सलाम करता है और आज एक इनसे बड़ा प्यार भरा प्यार भी करे। वाह कमर, दिल खुश कर दिया। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।